पुरखौती मुक्तांगन नया रायपुर स्थित एक पर्यटन केंद्र है। इसका लोकार्पण भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में किया था। मुक्तांगन 200 एकड़ भूमि पर फैला एक तरह का खुला संग्रहालय है, जहां पर पुरखों की समृद्ध संस्कृति को संजोया गया है। यह परिसर बहुत ही सुंदर ढंग से हमें छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से परिचित करवाता है। वनवासी जीवन शैली और ग्राम्य जीवन के दर्शन भी यहाँ होते हैं। इस उन्मुक्त संग्रहालय के धातु से बने प्रवेश द्वार पर चित्रों के रूप में अनेक कहानियां उपस्थित हैं, आदिवासियों की, आदिवासी जनजातियों की और उनकी संस्कृति की। इस मुक्तांगन में प्रवेश करते ही वहां पर खड़ी सुंदर सी आदमकद मूर्तियां आपका स्वागत करती हैं। इन मूर्तियों द्वारा छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। व्यापक रूप से फैले इस आंगन के चारों ओर खड़ी दीवारें उज्जवल रंगों में रंगी गई आदिवासी चित्रकारी से सजी हुई है। यहाँ की सभी आदिवासी जनजातियों को उनकी परंपरा वेशभूषा में लोक नृत्य करते हुए चित्रावली के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अनेक मौखिक भाव दर्शाते हुए मुखौटे भी दिखाई देते हैं। यहाँ लकड़ी पर उत्कीर्णित कला दिखाने वाली एक खास दीर्घा भी है, जहाँ पर पेड़ों के बड़े बड़े तने रखे हुए हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों के सामने तराशते हुए देख सकते हैं। पुरखौती मुक्तांगन की स्थापना का मूल उद्देश्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विकास धारा और अब तक की स्थिति के कौतूहल में मनोरंजन जीवन शैली को शैक्षणिक और अनुसंधान के तत्वों के साथ मूल रूप में जीवंत प्रस्तुतीकरण करना है। कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग से रायपुर पर्यटन पर निजी वाहन एवं यात्री वाहन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। वह निकटतम हवाई अड्डा है, जो दिल्ली, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, कोलकाता सहित अन्य हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। आवास की व्यवस्था। होटल जोहार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा संचालित व अनेक लॉज की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, जहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार रह सकते हैं। आपको पुरखौती मुक्तांगन से संबंधित यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।